ساءت اتصالي بربي إلهي، لقياه أنس والسجود له ارتقاء، يحب سجودي ويغسل ذنبي، وتحفني فيها ملائكة السماء. صلاة اتصالي، مليك يوم الدين يدعوني نداء، كي أستعين بنوره وهداه، يصغي إلي ويستجيب الأمنيات، ويزيدني أملا بنيل رضا. حي الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهني في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. Okay. Next, coming to second part. Now, first part kya ho gaya? Allah ke liye, right? So, let us revise this once again. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu lillahi wa tayyibatu lillahi. At-tahiyyatu yani ki, what did we take? Shahi tarif, royal compliments are for Allah. Wa salawatu, तमाम नमाजें अल्लाह ताला के लिए हैं। वत तो इबाद जैसे हम लोग लिए कि तमाम अच्छी चीजें, और इसमें हुस्ने अखलाक भी आ जाएगा, बिहेवियर मैनरिज्म भी आ जाएगा, तमाम अच्छी अच्छी चीजें जो है, वट एवर इज गुड इज फॉर अल्लाह। और लिल्लाही से मुराद ये है कि ये तमाम चीजें सिर्फ अल्लाह ताला ही को डेडिकेटेड है, और ये मैं सब करती हूँ सिर्फ अल्लाह ही के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, तो हम लोग लिटरल मीनिंग तो ले लिए, लेकिन ट्रांसलेशन में आपको क्या मिलेगा? ट्रांसलेशन करके देखिए एक बार। तमाम हौली बदनी और माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं। अत्तहियात को हौली, वसलवात को बदनी, और वत्तोईबात को माली इबादतें करके ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जगह में आपको लिटरल मीनिंग भी मिलेगा। इंग्लिश में खासकर अगर आप ट्रांसलेशन कहीं पर देखें तो लिटरल जो हम लोग यहाँ पर पढ़े वही ट्रांसलेशन में मिलेगा। अब सिंस यहाँ पर वी आर टेकिंग द उर्दू ट्रांसलेशन, लेट अस नो के हाउ स्कॉलर्स केम टू अ कंक्लूजन। अब अत्तहियात से चूंकि ग्रीटिंग, अल्लाह ताला को ग्रीट करना, अल्लाह ताला की तारीफ करना, शाही तारीफ मुराद है, तो इससे उलमा ने कहा कि अत्तहियात से मुराद तमाम खौली इबादतें। खौली इबादतें कौन सी हैं? जो जबान से अदा की जाती हैं। तस्बीह है, तहलील है, तहमीद है, तकबीर है, हर तरह का जिक्र इसमें आ जाएगा। इज इट क्लियर? खौली मीन्स वर्बल, यस, जबान से जो अदा की जाती है वो तमाम अस्कार जो है जबान से जो भी की जाती है, ऑल दोज आर फॉर अल्लाह। This is how they came into the conclusion. फिर सलवात, सलवात चूंकि नमाज है, और नमाज जो है एक बदनी इबादत है, खौली इबादत इज वर्बल, बदनी मतलब जो इट इज डन यूजिंग आवर बॉडी जो है उससे, तो सिंस इट इज अ बदनी इबादत, तो स्कॉलर्स केम टू अ कंक्लूजन के हर वो इबादत विच इन्वॉल्व एक्शन वो अल्लाह ताला के लिए है, जैसे कि नमाज है, हज है, हज ऑल्सो इन्वॉल्व हमारी जो है बदनी इबादत है, राइट, तो ये सब अल्लाह ताला के लिए है एक्शंस जिसमें इन्वॉल्व है। फिर थर्ड पार्ट, चूंकि लव्स तैयब इज ऑल्सो यूज फॉर सदका, मैं बोली थी राइट, आई आस्क्ड यू टू रिमेम्बर, तो सिंस दिस लव्स इज यूज फॉर सदका, उल्मा ने कहा कि इससे मुराद तमाम माली आप इबादतें हैं। माली इबादत क्या है? जो विच वी डू बाई स्पेंडिंग आर वेल्थ, जैसे कि सदका है, जकात है, और हज भी, क्योंकि वी स्पेंड आर वेल्थ ऑन इट, तो ये सारी जो है अल्लाह ताला ही के लिए है। दिस इज हाउ स्कॉलर्स केम टू अ कंक्लूजन। तो सेकेंड पार्ट इज फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर हम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं करते हैं।
So assalamu alaika, salam, peace and safety, salamati ho Rasul sallallahu alayhi wa sallam par. Assalamu alaika yani ki Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuhan nabiyu, ay nabi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aap par salamati ho. Allah ki salamati ho aapko, aap par Allah aapko har takleef se bachaye rakhe. Assalam jo hai Allah Taala ka naam hai, ye we will take it later. Namaz ke baad ke azkar mein iska detail explanation lenge inshaAllah. Wa rahmatullahi aur Allah Taala ki rahmatein ho aap par, wa barakatuhu aur Allah Taala ki barakatein ho aap par. Sawal ye uthta hai yahan par, Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. To na Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam ke liye hum salamati ki dua karte hain, unke liye rahmat ki dua karte hain aur unke liye barakaton ki dua karte hain. This part is for Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum unke liye duaen kar rahe hain. Ab sawal ye uthta hai yahan par ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ko direct address kyun kiya ja raha hai? Agar sahaba padte ke assalamu alaikum is a direct address, we are talking to someone who is in front of us. So, सवाल ये है कि अगर सहाबा अकराम पढ़ते तो it was understandable कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. अब हम किस तरह से कह सकते हैं? ये बात यहाँ पर लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि many people say कि they have changed the wordings and all. So, इसका explanation ये है. सबसे पहली बात ये है कि जैसे हम लोग लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद को इस तरह सिखाते जैसे कुरान की कोई आयत सिखा रहे हों. Right? So, Quran ki ayat kis tarah hum log padhte hain? As it is, right? Aur jis tarah word to word Nabi sallallahu alaihi wasallam ne sikhaya Quran ki ayat, usi tarah word to word padhenge. We will make no changes in this. Samajh mein aa gayi ye baat? जैसे हम लोग लिए थे ना कि इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास का कौल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह सिखाते जैसे कुरान की कोई आयत सिखा रहे हो, तो इससे हमें सबक यह मिलता है कि वी शुड लर्न दिस एज इट इज. कुरान जैसे कुरान वर्ड टू वर्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, उसी तरह तशहुद भी वर्ड टू वर्ड सिखाया. थर्ड पार्ट जो है सलामती की दुआ हम खुद अपने लिए कर लेते हैं कि सलामती क्या है? पीस एंड सेफ्टी, मे पीस एंड सेफ्टी बी अपॉन अस. फिर फोर्थ पार्ट जो है अल्लाह के नेक बंदों के लिए सलामती की दुआ करते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये इसको गौर से सुनिएगा. यहाँ पर दुआ का एटिक्वेट बताया गया है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही होता था कि पहले खुद के लिए दुआ करते फिर दूसरों के लिए दुआ करते. अब सवाल ये है वो अला इबादिल्लाहि सालिहीन और ऊपर इबाद, इबाद यानी कि बंदे, इबाद प्लूरल ऑफ अब्द, अब्द कहते हैं बंदे को. सालिहीन, इन इबाद की क्या क्वालिटी है? सालिहीन है. कैसे बंदों के लिए दुआ कर रहे हैं हम जो सालिहीन हो? सालिहीन यानी कि नेक लोग. दुआ सिर्फ सालिहीन के लिए क्यों की जा रही है? हमें मोटिवेट करने के लिए, नेक बनने का मोटिवेशन है. इमेजिन करिए जब कभी हम ये दुआ करते हैं ना तशहुद में या कोई और कर रहा हो, और हम ये जानते हैं कि पूरे ग्लोब में जो है एवरी, अभी वो एक आर्टिकल भी आया था कि एवरी सेकेंड जो है कहीं ना कहीं आजा हो रही है. सो इट मीन्स कि एवरी सेकेंड कहीं ना कहीं ग्लोब पर कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा है और उस नमाज में तशहुद में कह रहा है कि या अल्लाह सालिहीन पर सलामती हो. तो हर नमाजी अपनी नमाज में क्या दुआ करता है? सलामती की दुआ करता है सालिहीन के लिए. तो जरूरी, तो जरूरत क्या है? सालिहीन बनने की, सालिहीन में शामिल होने की, सालेह बनने की, नेक बनने की कोशिश. सालिहीन की क्वालिटीज अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है ताकि मैं उनकी दुआओं में शामिल हो जाऊं और मुझे सलामती मिल जाए. इंट्रोडक्शन क्लास में भी हम लिए थे ना कि नमाज जो है सुकून का जरिया है. सुकून, सलामती क्या है? पीस और सेफ्टी. किसे जरूरत नहीं है आज
सबसे ज्यादा आज जो है आज या फिर सबसे ज्यादा इंसान की जरूरत क्या होती है? सुकून, दौलत, सेहत, राहत, बंगला, सॉरी, दौलत है, सेहत है, बंगला है, मकान है, लेकिन अगर किसी के पास सुकून नहीं तो उसके पास कुछ नहीं। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमारे पास सुकून हो। और इमेजिन करिए कि कितने सारे लोग हमारे लिए सुकून की दुआ कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल की दुआ मिल जाती है, और सिर्फ आज नहीं या कल नहीं बल्कि ता कयामत जो कोई नमाज पढ़ेगा उसकी दुआ में हमारा हिस्सा होगा। लेकिन कब? अगर हम साले हों तब। दुनिया में कितना स्ट्रेस है, कितना टेंशन है, लोगों को माल पैसे का हम साथ नहीं छोड़ रहा। अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को सुकून पहुंचा दे, बेगम कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला के बंदे उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम नेक बनने की कोशिश करें, सालिहीन की क्वालिटीज अपने अंदर लाने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट पार्ट, यहां पर आप नोट करिए कि बेसिकली हम सबके लिए सलाम कर रहे हैं, राइट? सलामती की दुआ कर रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह को सलाम, लेकिन अल्लाह के को सलाम करने का तरीका हम अलग है। एंड क्या पैटर्न है, हम लिए थे कि रॉयल ग्रीटिंग्स है, शाही तारीफ है, हम लोग अल्लाह ताला की करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं उनके लिए, फिर खुद के लिए सलामती की दुआ करते हैं, फिर अल्लाह के नेक बंदों के लिए सलामती की दुआ करते हैं, फिर फाइनली हम लास्ट में जब सलाम करेंगे उस वक्त फरिश्तों को सलाम करेंगे। तो बेसिकली जो है हम सबको यहाँ पर सलामती की दुआ कर रहे हैं। लास्ट पार्ट, गवाही देना, शहादत, अशहदु मैं गवाही देती हूँ, या फिर आई बेयर विटनेस। शहीदा कहते हैं टू बी प्रेजेंट, टू विटनेस समथिंग, किसी चीज की गवाही देना। अशहदु अन के ला पहले भी ले चुके हैं हम कि ये मामूली ना नहीं है, स्पेशल ला है, यानी कि हरगिज नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल कोई भी नहीं है इलाह इबादत के लायक, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के, गवाही खत्म नहीं हुई यहाँ पर। वो अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देती हूँ अन्ना के, बेशक यकीनन कोई डाउट नहीं है इसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु सॉरी अब्दुहु अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के गुलाम हैं, वह रसूलहु और उसके रसूल हैं। तो ये थी गवाही। नेक्स्ट हदीस, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं रजी अल्लाह अन्ह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, जब तुम नमाज में बैठो तो कहो ये तमाम जिस्मानी बदनी माली बदनी इबादत अल्लाह ताला के लिए है, ऐ नबी आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सलाम हो और उसकी रहमतें और बरकतें हम पर भी और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर भी सलाम हो। जब किसी ने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह के हर नेक बंदे को, ख्वाह वो आसमान में हो या जमीन में, सलाम पहुंच जाता है। फिर कहो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। फिर आदमी अपने लिए अल्लाह से जो सवाल करता है करे। जैसे हम लेते हैं कि तशहुद के बाद हम क्या करते हैं, हम दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद दुआएं करते हैं, राइट? तो तशहुद के बाद की हुई दुआएं कबूल होती हैं। फिर दरूद इब्राहिम,
अब तशहुद में हमने दुआएं की, सलामती की दुआ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की, खुद के लिए की, अल्लाह के नेक बंदों के लिए की। अब आगे भी हम दुआएं करने वाले हैं, राइट। तशहुद के बाद दरूद है, फिर उसके बाद कई दुआएं हैं, तो जरूरत क्या है? दरूद जरूरत है हमें दरूद पढ़ने की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे बगैर दुआ नहीं होती। दरूद पढ़ने में और दुआ की कबूलियत में कनेक्शन। हजरत अली फरमाते हैं, हर दुआ रोक ली जाती है यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। नमाज के आखिर में भी जब दुआएं करने का वक्त है, खूबसूरत मौका है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, तो उससे पहले जरूरत क्या है? दरूद पढ़ने की। जैसे कि हम लोग दुआ पैटर्न में भी लिए थे, पहले लिए थे कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ होगी, फिर दरूद भेजा जाएगा, फिर उसके बाद दुआ की जाएगी। हदीस में आता है, हजरत फुदाला बिन अबीद के, सिर्फ मफहूम बयान कर रही हूँ, कि ये एक शख्स नमाज पढ़ता है, फिर दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमने जल्दी की दुआ मांगने में। फिर उन्होंने उसे सिखाया कि पहले अल्लाह की तारीफ हो, हम्द बयान करो, फिर अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अपने लिए दुआ करो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नमाजी, अब दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। या फिर तिर्मिज़ी की हदीस है। तो यहाँ पर इस मौके पर जब हम नमाज के इख्तिताम पर हैं, बेहतरीन टाइम है, अल्लाह ताला कि हम लोगों ने इतनी तारीफ कर ली रुकू में, सुजूद में, सब अल्लाह ताला की हम्द बयान की, हमदन कसीरन तोयबन मुबारकन फी, इतना सब करने के बाद अब है मौका अल्लाह ताला से कुछ मांगने का। तो इससे पहले, जैसे दुआ एटिक्वेट है, दुआ पैटर्न है, हम दरूद करते हैं ताकि हमारी दुआ कबूल हो जाए। नमाज के अंदर भी यही पैटर्न, दुआ नमाज के बाहर भी यही दुआ पैटर्न। और दुआ दरूद पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। फिर सहाबा किराम ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम का तरीका तो आपने सिखा दिया, मतलब क्या है? तशहुद, राइट। जैसे कि हदीस पढ़ती हूँ फिर से। सहाबा कराम ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम का तरीका आपने सिखा दिया, यानी कि तशहुद में जैसे हम सलाम करते हैं, लेकिन आप दरूद किस तरह भेजा जाए? आपने फरमाया, इस तरह कहो, यानी कि दरूद इब्राहिम सिखाया। ये सही बुखारी की हदीस है। तो नमाज की हालत में जो है, दरूद इब्राहिम पढ़ना ये मसनून है। सवाल उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं क्यों करें हम? सलामती की दुआ की तशहुद में, यहाँ पर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतें और बरकतों की दुआएं करेंगे। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लुना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजो। अब सल्ली यानी कि दुआ, सलाम का माना होता है दुआ देना, ताज़ीम करना। ओके, अब इसके अलग अलग ये हैं कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद क्या है, फरिश्तों का दरूद क्या है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन बंदों का दरूद जो है, ये आए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजो, इसका मतलब ये है कि उनके लिए दुआएं करो, उनके लिए रहमत की और बरकतों की दुआ करो, इसका मतलब ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआएं करना। और सोल्ली अल्लाहुम्मा
सोली अल्लाह यानी कि हम अल्लाह ताला की अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि या अल्लाह तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बारिश कर, अपने जो है उनके दर्जात बुलंद कर, हर तरह की खैर भलाई उन पर हो और दुनिया और आखिरत में उनको जो है मुकाम और रुतबा और अजमत अता कर, उनकी उम्मत के हक में उनकी सिफारिश कबूल कर। ये तमाम दुआएं हम अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते हैं। ओके तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह रहमतों की बारिश कर, अला मोहम्मद अला मतलब ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सल्लम के एहसानात और उनकी कुर्बानियों का एतराफ शुक्रिया के तौर पर। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है, उनके क्या एफर्ट्स थे, उनके स्ट्रगल्स, उनके सैक्रिफाइसेस, जो तकलीफें उन्होंने उठाई हम तक ये दीन पहुंचाने के लिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, हम उनके शुक्रगुजारी के तौर पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज उनके लिए खूब खूब दुआएं करें। और एक बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है हम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक यह है हम पर कि सबसे पहले तो उनके ऊपर दरूद और सलाम की जाए, उनके ऊपर पीस और ब्लेसिंग्स की दुआएं की जाए, टू सेंड पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑन हिम। फिर एक और हक उनका हम पर यह है कि उनकी सीरत का जायजा किया जाए। ओके इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सीरा, क्योंकि जिस तरह हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि व्हाट वे हिज स्ट्रगल, अगर हमको उनके जो है व्हाट वे हिज कंट्रीब्यूशंस टू आवर दीन एंड ऑल, ये हम लोग अगर नहीं हम अपने अंदर समझे, तो हम हमारे दरूद में जो है हमारे जो तशहुद है या फिर दरूद में वो जज्बात नहीं आएंगे। व्हेन वी नो कि व्हाट वे हिज कंट्रीब्यूशंस एंड किस तरह से वो जो है हमको दीन पहुंचाए, दिनों भूखे रहे, जंगों में लड़े, आखिरी दम तक फिक्र थी तो सिर्फ उम्मती उम्मती कहते रहे, दूसरे पैगंबरों ने भी अपना जो है पैगाम पहुंचाया, लेकिन देयर वाज अ स्टेज व्हेन उनको जो है उन्होंने अपने कौम के खिलाफ अजाब की दुआ की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद होगा आपको तैस का वाकया, जहां पर पहाड़ों के फरिश्तों ने कहा कि मैं इस सिटी को जो है आई विल क्रश इट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, कितना सब्र, कितने पेशेंस के साथ इस दीन को पहुंचाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम यानी कि तशहुद और दरूद पूरे दिल से वही भेज सकेगा जिसने सीरत का जायजा किया होगा। तो यहाँ पर दारुल अरकम में सीरतुन नबी नबी का बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड हैं, जो है यूट्यूब पर भी मौजूद है, तो अगर आप ये कर सकें तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। So let us dive into the meanings of this dua. Allahumma ay Allah, salli rahmate nazil kar, barkate nazil kar, jaise hum log liye tamam duaen ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam par aur ali Muhammad, al kehte hain, अहल कहते हैं इमीडिएट फैमिली को, लेकिन आल कहते हैं मोर देन अ फैमिली। आल में जो है उनके अजवाज फैमिली मेंबर्स, उनके जो है बच्चे, उनके जो है ग्रैंड किड्स, कंपेनियंस, उनके फॉलोवर्स, उनको मानने वाले, उनके तरीके पर चलने वाले, ता कयामत जो भी हैं वो सब आ जाएंगे। इट मीन्स के ये दुआ में हम भी शामिल हैं क्योंकि वी आर द फॉलोवर्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी इस दुआ में इंक्लूड किया, कमा जैसा के, तो हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तो रहमतों और बरकतों की बारिश कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, कमा जैसा के रहमतों की बारिश की तूने, सल्लैता तूने रहमत नाजिल की, जिस तरह तू मेहरबान हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला और उनकी आल पर, और
बरकते नाजिल कर, सेकेंड पार्ट सिर्फ इसी तरह है, बरकते नाजिल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल की इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही तारीफ वाला है और बेशक तू ही तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। अब अल हमीद ये भी अल्लाह ताला का नाम है, मतलब हमीद यानी कि तारीफ का मुस्तहक, हम्द सना का हकीकी हकदार, अपने आप तारीफ वाला। मतलब यह है कि कोई उसकी तारीफ करे ना करे वो खुद अपने अंदर तारीफ वाला है। वो खुद ब खुद महमूद है, काबिल तारीफ है, कोई उसकी हम्द करे ना करे। कायनात का जर्रा जर्रा उसकी हम्द शुक्र बयान कर रहा है, तो ये तो यहाँ पर सिंस वी आर मेकिंग सो मेनी दुआज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एंड ऑल, तो यहाँ पर भी हम जब हमीदुम मजीद कहते हैं कि या अल्लाह तू बहुत तारीफ वाला है, तो अगर ये दुआ की कबूलियत पर भी सिर्फ तेरी ही तारीफ है, इस तरह से हम कह रहे हैं। फिर अल मजीद, अल मजीद भी अल्लाह ताला का नाम है, मजीद यानी कि इज्जत वाला, ऑनर, बड़ी शान वाला, बुजुर्गी वाला। अब ये बड़ी शान वाला, बुजुर्गी वाला सब मेरे तो दिमाग में नहीं आएगा। इट इज मैग्निफिशेंट, सुप्रीम, ये मीनिंग आएंगे इसके। ओके, पावरफुल, पावर ओवर ऑल, जिसका जो है पावर है सबके ऊपर। उससे बड़ी शान, उससे बड़ा उस जो है अजमत, इज्जत और किसी की नहीं। तफसीर में जो है, तफासीर में जो है, मजीद का बेसिकली टू मीनिंग समझाए गए हैं। सबसे पहले ये कि वो बहुत बुलंद मर्तबा वाला है, इज्जत वाला है, मजेस्टिक है। सेकेंड वन, बहुत नफा पहुंचाने वाला है। मजीद का मतलब देखिए दो हैं, इन तफासीर दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन टू वे। सबसे पहले बहुत बुलंद मर्तबे वाला है, इज्जत वाला है, रॉयल पावर वाला है, ही इज वेरी मजेस्टिक और बहुत नफा पहुंचाने वाला है। अब जैसे कुरान के लिए भी आता है, देखिए कुरान मजीद, जुल अर्शिल मजीद, यानी कि बहुत इज्जत वाला कुरान जो है, भी कुरान भी क्या है, इज्जत मुकाम वाला। अर्श जो है बहुत मुकाम वाला, मेजेस्टिक है, रॉयल है, राइट। तो अल्लाह से रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो भी मजीद हैं। आप माने तो बहुत निकलेंगे, लेकिन सपोज अगर मजीद से माना शान और बुलंद और मर्तबा वाला, जैसे कि हम लोग पहले भी दिए थे ना कि एवरी अल्लाह का नाम जब कभी भी किसी दुआ या आयत के एंड में आएगा, क्या बोलते हैं, उसका जो माना है उस आयत से बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। तो अगर हम बुलंद और मर्तबा, इज्जत वाला लेंगे तो शान और इज्जत वाला है, और अगर किसी को बुलंद मर्तबा देना हो तो उसी के हाथ में। सिंस यहाँ पर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह उनको रहमत दे, उनको जो है इज्जत दे, उनको मकाम दे, तो ये अगर मकाम देना हो तो ये इट इज इन हिज हैंड। और अगर हम कहें कि इफ यू टेक द मीनिंग बहुत नफा पहुंचाने वाला है, तो इट मीन्स के ही इज जेनरस। हम जो भी दुआएं यहाँ पर कर रहे हैं उसको कबूल अगर करता है तो वो उसकी तरफ से एक गिफ्ट होगा, इट इज बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी। थोड़े थोड़े वर्ड्स के डिफरेंस के साथ दरूद के भी कई वर्जन हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टॉट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉट किए हैं, इसको जो है आप हिस्नुल मुस्लिम किताब में भी यू कैन फाइंड, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ है। फिर एक क्वेश्चन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह
ने किस किस तरह रहमतें और बरकतें नाजिल की। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर जिक्र आया है, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला किस तरह मेहरबान हुआ, उनका क्या मकाम था, अल्लाह ने उनके दर्जे बुलंद किस तरह किए थे। सबसे पहले तो चुने हुए पैगंबर थे, खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे, तमाम पैगंबर उन्हीं की नस्ल से थे, उन्हीं की नस्ल से था इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम और यहाँ पर इसहाक अलैहिस्सलाम, उन्हीं की नस्ल से तमाम पैगंबर थे। फिर इस्लाम का अहम तरीन रिचुअल जो है हज, कुर्बानी, मकाम इब्राहिम, सफा मरवा, जमजम, ये तमाम उन्हीं से रिलेटेड है या उनकी फैमिली से रिलेटेड है। फिर एक और नेमत जो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के को मिली थी वो ये थी कि तमाम यहूदी ईसाई मुशरिकीन सब उनको मानते थे। यहूदी जो है ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे। ईसाई जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि जिस तरह लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं ये नेमत उन्हें भी मिल जाए, सब लोग मुझे भी मानने लगे, इस तरह से ख्वाहिश थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों? फॉर पावर, फॉर फेम नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने शर्त रख दी कि अब आखिरी नबी आने के बाद चाहे कोई किसी पैगंबर को फॉलो करे या ना करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ईमान का हिस्सा है। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अगर सब लोग मुझे मानने लगे तो इंशाअल्लाह ताला सब को जो है जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि दिस वॉज द शर्त ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईमान। अब यहां देखिए, 100,000 से जायद पैगंबरों का जिक्र है, इसमें आता है ना कि 100,000 से ज्यादा पैगंबर आए थे, लेकिन एक पैगंबर का नाम ता खयामत उम्मत मुस्लिमा की जबानों पर कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो क्यों, क्या था उनका मकाम, क्या उनकी कुर्बानियां थी जिसकी वजह से उन्हें ये मकाम मिला, किस तरह हासिल की उन्होंने ये मकाम। ये और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नहीं, बहुत दूसरे जो पैगंबर थे उनकी क्या खूबियां थी, उनके क्या जो है क्या बोलते हैं कुर्बानियां थी, ये जानने के लिए हमारे दारुल अहकाम पर एक और कोर्स है, क़िससुल अंबिया। ये इसमें जो है तमाम अंबिया की स्टोरीज हैं कि वो व्हाट वर देयर स्ट्रगल्स एंड किस तरह से उन्होंने अपना एक छाप छोड़ा एंड ऑल दिस। अगर आप करना चाहें तो यू कैन डू इंशाल्लाह। इसका लिंक अगर ये तमाम कोर्सेज के लिंक अगर आपको चाहिए तो प्लीज जो है वेबसाइट पर जाकर देखिए, ओके, या फिर ये जो है यू कैन नोट दिस डाउन। صلاة اتصالي بربي إلهي، لقياه أنس والسجود له ارتقاء، يحب سجودي ويغسل ذنبي، وتحفني فيها ملائكة السماء. صلاة اتصالي، مليك يوم الدين يدعوني نداء، كي أستعين بنوره وهداه، يصغي إلي ويستجيب الأمنيات، ويزيدني أملا بنيل رضاه. حي على الصلاة، حي على الحياة، يملأ سمعها نداء.